किरण बाला सचदेव उर्फ तबस्सुम, जिन्होंने महज 3 साल की उम्र से काम करना शुरू किया और वो काम उन्होंने अपने जाने के आखिरी 2 दिन पहले तक किया। 2 दिन पहले भी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर काम किया, जिसका पोस्ट उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। दरअसल ये टैलेंटेड एक्ट्रेस यूट्यूब पर तबस्सुम टॉकीज नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी और इस चैनल पर वो कुछ किस्से और कहानियां सुनाया करती थी, जो लोगों को सुनना बेहद पसंद था। 78 की उम्र में शुक्रवार शाम को तबस्सुम जी को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। उनके बेटे ने ये जानकारी 8:40 पर सोशल साइट के थ्रू शेयर की। साल 1947 में तबस्सुम ने बेबी तबस्सुम के नाम से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो एक फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट रही। वैसे अप्रैल 2021 में भी तबस्सुम गोविल के निधन की खबरें आई थी। तब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया था कि ये खबरें झूठी हैं। आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ। तब ये खबर महज अफवाह थी, लेकिन आज वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। 1947 में आई फिल्म नरगिस से तबस्सुम ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद कई फिल्मों में वो नजर आई। लता मंगेशकर के गाए गाने, बचपन के दिन, भुलाना देना, बेबी तबस्सुम पर ही फिल्माया गया था। उन्होंने भारतीय टेलीविजन के पहले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन को होस्ट किया और ये शो 21 सालों तक, यानी कि 1972 से 1993 तक चला था। इसके ऊपर तबस्सुम ने ढेरों सेलेब्स के इंटरव्यू लिए थे, इसी वजह से ये बेहद पॉपुलर भी हुआ था। अगर इनके नाम की बात करें तो इनका जन्म 1944 में मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम अयोध्या नाथ सचदेव था और उनकी माँ का नाम असगरी बेगम। दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे। उनका एक नहीं बल्कि 2 नाम थे और इस नाम के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तबस्सुम के पिता अयोध्या नाथ सचदेव उनकी माँ असगरी बेगम की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने बेटी का नाम तबस्सुम रखा, लेकिन उनकी मां ने अपने पति की भावनाओं को सम्मान करते हुए बेटी का नाम किरण बाला रखा। भले ही दुनिया उन्हें तबस्सुम के नाम से जानती थी, लेकिन उनके ऑफिशियल पेपर्स पर उनका नाम किरण बाला सचदेव ही रजिस्टर्ड है। वैसे तबस्सुम जी के जाने पर अरुण गोविल, जो रामायण में राम बने थे, उनको ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि ये इनके करीबी रिश्तेदार रहे। दरअसल टीवी अभिनेता अरुण गोविल के बड़े भाई विजय गोविंद से तबस्सुम जी की शादी हुई थी। वैसे ये अदाकारा ऐसी थी जिनकी आवाज़ हमेशा हम सब के कानों में ताउम्र गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।